हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पेश कर रहे हैं आपके सामने अभी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट उन सभी जुनूनी लोगों की कहानी है जो अपने देश में बेहतरी लाने के लिए अपने हुनर को हौसला बनाते हैं, घर परिवार सब धकेल देते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए जुनून के साथ जुट जाते हैं। ये फिल्म उन लोगों की भी कहानी है जिन्हें ऊपर जाता देखकर उनके आसपास के लोग ही पीठ में छुरा घोंप देते हैं। ये कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए एक ऐसे जुनूनी इंसान की कहानी है जिसे गलत आरोपों में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है, जिसके कारण भारत देश बरसों पीछे चला जाता है। ये फिल्म आपको बताती है कि अगर वैज्ञानिक नंबी नारायण को तब साजिशन जेल में ना डाला गया होता और उनके अंतरिक्ष विज्ञान पर किए गए काम को अटकाया ना गया होता, तो भारतीय विज्ञान अनुसंधान यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इस वक्त शायद विश्व की नंबर एक स्पेस एजेंसी हो सकती थी। जी हाँ, हम नासा से भी आगे होते और आज हमारे कहना चाहिए एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में होते। नासा की नौकरी को ठुकरा कर अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रखने वाले नंबी नारायण भारत लौट आते हैं। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट फिल्म में नंबी नारायण के साथ हुए अन्याय की कहानी ही नहीं है, यह पूरे देश के साथ हुए अन्याय की एक कहानी का दस्तावेज है, जिसके चलते हम अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में 50 साल पीछे धकेल दिए गए हैं। फिल्म में पद्म भूषण से सम्मानित रॉकेट वैज्ञानिक नंबी नारायण की जिंदगी की कहानी और उनके साथ हुए अन्याय और साथ ही साथ देश के साथ हुए अन्याय की कहानी है। एक ऐसा महान वैज्ञानिक जिसे रॉकेट साइंस की दुनिया में भारत को ऊंचा उठाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, इसके बदले उन पर देश से गद्दारी करने का ठप्पा लगा और 25 साल तक वह इसी ठप्पे को हटाने के लिए अदालतों के चक्कर काटते रहे। डायरेक्टर आर माधवन ने इस फिल्म के जरिए डायरेक्शन में डेब्यू किया है। आर माधवन ने इस कहानी को पर्दे पर जीवंत करने की कोशिश की है और आपके रोंगटे खड़े करने पे के हद तक इस फिल्म को कहना चाहिए हकीकत से बनाया गया है। फिल्म की बात करें तो कास्ट में है आर माधवन, शाहरुख खान, सिमरन, गुलशन ग्रोवर, रजत कपूर और सैम मोहन। कहानी को लिखा है आर माधवन ने, कहानी का डायरेक्शन भी किया है आर माधवन ने, कहानी का निर्माता है आर माधवन, सरिता माधवन, वर्गीज मूलन, विजय मूलन। फिल्म आज 1 जुलाई 2022 को रिलीज हुई है। इस फिल्म में बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान भी हैं। वह एक इंटरव्यूअर की भूमिका में हैं। इस फिल्म की पूरी कहानी बैकग्राउंड में है। नंबी नारायण जो वैज्ञानिक हैं, वह अभिनेता शाहरुख खान को कहानी सुनाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है। शाहरुख खान फिल्म में नंबी नारायण का इंटरव्यू ले रहे हैं और इसी इंटरव्यू के साथ साथ उनके साथ हुए अन्याय के बारे में वह शाहरुख खान को बताते हैं। अगर एक दर्शक की तरह आपको देश से प्यार है और थोड़ा बहुत विज्ञान की समझ रखते हैं तो फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट आपके लिए एक ऐसा एहसास है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। फिल्म में एक सीन आता है जो इस फिल्म के पूरे दर्द को निचोड़ देने वाला है। बहुत तेज बारिश हो रही है, भीषण, तिरंगा भीग रहा है। इसी तिरंगे के नीचे अकेले खड़े हैं नारायण दंपत्ति सड़क पर, बेसहारा, बेबस, बेजुबान अपने सामान के साथ और उन पे लगा हुआ है गद्दार होने का ठप्पा। क्या देश के लिए काम करने वाले लोगों पर इस प्रकार अन्याय होना चाहिए? शायद नहीं, परंतु ये देखकर आपके आंखों से आंसू जरूर निकलेंगे। फिल्म की खास बात यह है कि इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला हिस्से में नंबी नारायण की उपलब्धियों को देश के स्पेस विज्ञान में उनके योगदान को दिखाया गया है, तो वहीं दूसरे भाग में उनपे हुए अन्याय, उनपे लगे गलत आरोपों और उसके खिलाफ उनकी लड़ाई, अदालती चक्कर और सिस्टम यानी कि सरकार और उसमें काम करने वाले लोगों से उनकी लड़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाया गया है। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट फिल्म कहानी शुरू होती है वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन से, जवानी से। एक हुनरमंद वैज्ञानिक की प्रतिभा को विक्रम साराभाई पहचानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम करने का मौका मिलता है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में से एक प्रिंसटन में नंबी पढ़ने जाते हैं। नासा की नौकरी पाते हैं लेकिन उससे कम वेतन देने वाली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में काम करने और देश को आगे बढ़ाने के लिए लौट आते हैं। उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट को वो विकसित कर रहे हैं। रॉकेट बनाने में वे कामयाब भी हो जाते हैं। रॉकेट का नाम YVYAS रखा है। टेस्टिंग सफल होती है तो अपने गुरु के नाम का के वह
लगाकर विकास बना देते हैं, जिससे रॉकेट का नाम पड़ता है विकास। ये विकास रॉकेट ही है जो कहना चाहिए 70-80 के दशक से इसरो के भेजे जाने वाले उपग्रहों को अंतरिक्ष में आज भी लेकर जा रहा है, और PSLV जैसे सैटेलाइट में लगने वाला रॉकेट यही विकास रॉकेट है। नंबी नारायण खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सिस्टम और न्यायपालिका से जूझ रहे हैं। नंबी को इस झूठे केस में फंसाने वाला पुलिस अफसर भी बाद में गिरफ्तार तो होता है और उसे सजा होती है। केंद्र सरकार ने नंबी नारायण को पद्म भूषण पुरस्कार दे दिया है, लेकिन अगर आप कुछ मिनट बैठकर सोचें उनके दर्द के बारे में, उनके परिवार के बारे में, तो आपकी आंखों में भी आंसू आ ही जाएगा। नंबी नारायण की भूमिका में आर माधवन ने बतौर अभिनेता, या कहना चाहिए निर्देशक या निर्माता, बहुत ही शानदार किरदार निभाया है, और तीनों टोपियां पहनकर, यानी कि एक्टर, निर्देशक, निर्माता, यहाँ तक कि पटकथा लेखन में भी बहुत ही कहना चाहिए सधा रोल निभाया गया है। हो सकता है कल इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल भी जाए, ये तो तय लग ही रहा है। फिल्म भी जब भी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट की बात चलेगी, तो आपको एक दर्शक के तौर पर उस दर्द को महसूस करने का मौका मिलेगा जो नंबी नारायण और उनके परिवार ने झेला। यह देश में एक वैज्ञानिक के साथ हुए अन्याय की सच्ची घटना का दस्तावेज है। इसका एक एक फ्रेम और दृश्य, आपको ऐसा लगेगा कि नंबी नारायण के जीवन के साथ आप उनके बगल में ही खड़े हुए हैं। नंबी नारायण खुद इस फिल्म की मेकिंग से जुड़े हुए थे। अगर एक दर्शक के तौर पर आप में हिम्मत है सच का सामना करने की और देश के प्रतिभाओं के साथ हो रहे अन्याय को झेलने की, तो ये फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए। फिल्म उन सभी युवाओं के लिए है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, परंतु देश का सिस्टम उन्हें कहीं ना कहीं मुसीबतों में डाल रहा है, रोक रहा है। यकीन मानिए, नंबी नारायण ने वैज्ञानिक के तौर पर जो झेला है, उसके आगे आपको बाकी मुसीबतें बहुत कम लगेगी। फिल्म के निर्देशन की बात करी जाए, तो आर माधवन ने वास्तव में जबरदस्त निर्देशन किया है। फिल्म में दमदार डायलॉग्स हैं, पर्दे पर इमोशंस को सजीव कर दिया गया है। फिल्म में थोड़ा बहुत ह्यूमर भी डाला गया है। नंबी नारायण को रॉकेट साइंस बेचने के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, उस वक्त उनके परिवार के साथ जो होता है, वह आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो शायद आपके ही परिवार के साथ हो रहा है अन्याय। वो आपकी आंखों को नम कर देगा। जेल में उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, वह सीन भी कहना चाहिए बहुत ही हृदय विदारक है। उसके साथ पत्नी के साथ बीच सड़क पे धकेल दिए जाने वाला सीन अगर आप देखेंगे, जिसमें भारतीय झंडे को भीगते हुए दिखाया गया है और उसके पीछे जो ट्रैक बजती है, वो सुन के आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। इसमें ऐसे कई सीन हैं जो बहुत ही मार्मिक हैं, और इस फिल्म को कहना चाहिए आने वाले समय में एक दस्तावेज के तौर पर याद रखा जाएगा। अभिनय की बात करें तो नंबी नारायण की भूमिका में आर माधवन ने बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई है। नंबी नारायण की पत्नी मीरा के रोल उनकी साथी हैं सिमरन। नंबी पर जो गुजरा, उनके परिवार के साथ जो गुजरा, उसके साथ एक जुड़ी हुई साधारण गृहिणी किस तरीके से अपनी हिम्मत बांधती है और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने में वह अपने पति का समर्थन करती है, ये दिलचस्प है और आपको इसको देख के बहुत ही मजा आएगा। इस फिल्म में जो उनका उन्नी का किरदार है, वह भी एक अलग पहचान है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे यही कहते हुए खत्म करना चाहेंगे कि सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है, और कुछ फिल्में आती हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देती हैं। ऐसी फिल्में कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में उस प्रभाव को झलकाती हैं जो अन्याय आप देख तो रहे होते हैं, परंतु बोलने की आप में हिम्मत नहीं होती। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के बारे में बात करी जाए, तो ये एक बहुत शानदार फिल्म है। इसमें जो दर्द और मार्मिक दृश्य दिखाए गए हैं, वो जीवंत हैं, और इसको देखकर एक लंबे समय तक आपके दिमाग पे छाप रहेगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।